प्रकार से दिया है, 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दोस्तों अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आने वाले वीडियो में अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं देखूंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन कोई आपको लगता है मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वहाँ तक की बात होगी। ओके, आगे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आप देखते चले। यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे दिया गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस समझना है कि यहाँ पर हम किसको टी माने या किसी को भी टी मान सकते हैं, ये बस आपको समझना है, ये टी मानने का ही गेम है यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपली किसी को टी मान लेते हैं। दोस्त मान लीजिए हम इस वैल्यू को टी मान लेते हैं, आप लिखेंगे माना या लेट, आपने माना किसको टी माना है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू कितना टी। अगर आप इसको टी मानते हैं, अगर आप इसको टी मानते हैं तो यहां पर क्या होगा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया माइनस, अब यहां पर ई की पावर माइनस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, और जो माइनस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन -1, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर यही समझना कि यहां पर जो ई की पावर एक्स था उसका तो हो गया, माइनस था माइनस हो गया, ई की पावर माइनस एक्स और जो माइनस एक्स पावर में है उसका डिफरेंशिएशन -1 होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस माइनस आपका प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। सिंपली आप लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू आपको मिल गई। सिंपली आप यहां पर इसमें पुट कर दीजिए, आपने इसको टी माना नहीं था, आप इसको लिख दीजिए ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, टी आपने इसको माना था, इस वैल्यू को आपने क्या माना था, टी माना था। ओके, तो हम यहां पर पुट करेंगे टी इंटू डी एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाला है तो डी एक्स की यहाँ पर लिखेंगे डी टी अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। क्या कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, बिल्कुल, ये पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा टी इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप टी स्क्वायर बाई टू और प्लस क्या सी, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अगर कंप्लीट आंसर की बात करें तो टी आपने किसको माना था, इस वैल्यू को, तो टी की वैल्यू रख दीजिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्या सी, कंप्लीट आंसर। इस क्वेश्चन का कंप्लीट ये आंसर, आप इसको भी टी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस वैल्यू को टी मानेंगे, अगर इस वैल्यू को आप टी मानेंगे तो क्या होगा दोस्त, आप सिंपली यहां पर समझ लीजिए, अगर आप इस वैल्यू को टी मानते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, अर्थात ये वैल्यू सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इस पूरे की जगह पर आप डी टी रख देंगे, इस पूरे की जगह यहाँ पर आप डी टी रख देंगे और इसको आपने टी माना है, फिर से टी इंटू डी टी बनेगा, टी इंटू डी टी बनेगा, इसका भी आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी और फिर इसके टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कंप्लीट वही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी टी मानकर कर सकते हैं, हमने उसको मान लिया, आप इसको भी मानकर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में ये था कि आपको टी कैसे मानना है, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ये क्या कह रहा है आपसे कि अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर पे, ठीक है, उसको हटाते हैं, ट्वेंटी फाइव नंबर पर आपको टेन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, मतलब ई के फॉर्म पे है बट टेन लगा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा, सुनिए, अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो दिया है आपको 25 नंबर पे, आप ध्यान से देखेंगे 25 नंबर पे दिया है ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और उस पर भी क्या है, हाँ टेन इनवर्स एक्स है और नीचे आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वैसे जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े हैं इनको तुरंत आपको समझ में आएगा किसको टी मानना है, ये आप समझ चुके होंगे, तुरंत आपको समझना है किसको टी माने जिससे क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, समझिए किसको हम यहां पर टी माने,
सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब तक आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे टी किसको माने। अब जैसे कि आपने टेन इनवर्स एक्स को अगर आप टी मानते हैं, सुनिएगा, आप लिखेंगे माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना टी। जैसे ही इसको आपने टी माना इसका डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तुरंत आपको समझ में आया कि ये होता है। कैसे आप ये समझेंगे, नीचे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप ये समझ पाएंगे कि नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया गया है यहाँ पर अगर हम टेन इनवर्स को टी मानते हैं तभी ये वैल्यू बनेगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि e की पावर टेन इनवर्स को आपने जो टी माना e की पावर टी हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आपको मिला है, ये आपका डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिला है। पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dt, दोनों वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, बचेगा e की पावर t इंटू डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन e की पावर t का वही होगा e की पावर t, और समाकलन कर रहे हैं तो इसलिए लगाएंगे प्लस c। आंसर कितना आया e की पावर t, t क्या था tan इनवर्स x और प्लस क्या c। कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर t मानना इंपॉर्टेंट है, बस यही समझ लीजिए, ठीक है। आपने t माना आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये था 25 नंबर में क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन लग रहे हैं दोस्तों ये थोड़ा पूछे जा सकते हैं या आपको थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कोई क्वेश्चन इसमें अगर आपको, तो आप बता सकते हैं। जैसे 26 पर देख लीजिए, जैसे दिया है आपको कॉस ए प्लस बी लॉग एक्स अपान में क्या दिया है एक्स इंटू क्या डी एक्स। क्या करेंगे इसमें, किसको टी मानेंगे, सिंपली यहां पर ए प्लस बी लॉग एक्स को आप टी मान लीजिए। जैसे ही आप टी मानते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस बी ए की भाई यहां पर एक्स का कोई वैल्यू नहीं है तो ए का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस बी यहां पर बाहर होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सिंपली अगर आप डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपका x इस साइड हो जाएगा, नीचे b चला जाएगा, तो x अपान b इंटू क्या हो जाएगा डी टी, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos t हो जाएगा, पूरे वैल्यू को हमने t मान लिया, नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितना आपने निकाला x अपान b इंटू क्या डी टी, एक्स एक्स कैंसिल, ओके, एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपान बी आपका क्या हो जाएगा बाहर, लॉ कॉस टी इंटू क्या डी टी। हमें आप बताइए कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपली हो जाएगा 1/1 अपान बी कॉस टी का होता है साइन टी और प्लस क्या सी। आंसर की बात करें तो कितना आएगा 1 अपान बी साइन टी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी लॉग एक्स प्लस सी। कंप्लीट आंसर, कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर, ओके, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 27 का बात हमने कर चुके हैं दोस्त, 27 नहीं 26 की बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं तो 27 की भी बात कर लेते हैं। 27 आपको दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया डी एक्स अपान एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, क्या किसको टी माने भाई, हमको पता है, अगर आप सोचेंगे तुरंत तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है। तो सिंपली आप इस पूरी वैल्यू को क्या करिए, आप लिखिए माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना टी, इसका डिफरेंशिएशन ये जीरो, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सिंपली डी एक्स बराबर कितना आ गया एक्स इंटू डी टी, ये वैल्यू आपको मिल गया। सिंपली यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या है डी एक्स की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, डी एक्स की वैल्यू आपने एक्स इंटू डी टी निकाला, नीचे आपका एक्स है, इस पूरे वैल्यू को आपने कितना माना है 1 प्लस लॉग एक्स को टी, एक्स एक्स कैंसिल होता दिख रहा है आपको, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 dt upon dt upon dt upon t बचेगा, इसका क्या होगा log t प्लस c। आंसर कितना आएगा
लॉग टी की वैल्यू कितनी आपकी है, वन प्लस लॉग एक्स और प्लस क्या सी। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर लॉग वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ये 27 नंबर पे क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 28 पर जो दिया है इसको समझते हैं। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग सकता है, और मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ ये लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके और जो मैं 28 नंबर पे आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपका दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे भी आपको लगे भाई कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए 28 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया गया है पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स ओके होल पावर एम अपान में क्या दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें किसको टी माने, ठीक है इसको देखिए ध्यान से, किसको यहाँ पर हम टी माने क्वेश्चन समझिए। पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल, ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स, पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल पावर में एम है, और यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है नीचे अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपली आपको क्या करना है उस पूरे वैल्यू को जो ऊपर आप देख रहे हैं इस पूरे वैल्यू को आप टी मान लीजिए, अर्थात आप लिखेंगे पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना टी। अब इसका करिए क्या, जिसको हम टी मानते हैं उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, पी का यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्यू का क्या होगा क्यू रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो डी एक्स बराबर अगर निकालेंगे कितना आएगा, डी एक्स इक्वल टू आएगा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, और ये क्यू आपका अपान में नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डी एक्स इक्वल टू। सिंपली यहाँ पर अगर हम बात करें तो पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, तो आप सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पर टी की पावर एम, टी की पावर एम, और नीचे है आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, डी एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी और अपान में क्या क्यू, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है बिल्कुल, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू हो या पी हो ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्यू बचा है तो क्यू को हम बाहर कर देंगे, वन अपान क्यू बाहर हो गया, ये टी की पावर एम और क्या हो गया डी टी, इसका आप इंटीग्रेशन हमें बता दीजिए बस। तो सिंपली आपको पता है, आपको फार्मूला पता है कि एक्स की पावर एन डी एक्स अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस क्या सी, सेम वही चीज़ है यहाँ पर टी की पावर एम है तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर एम प्लस वन अपान एम प्लस वन प्लस क्या सी, साथ में बाहर क्यू लगा है तो क्यू को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। टी की वैल्यू आपने टी किसको माना था, तो पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख दीजिए, तो टी की जगह पर आप रखेंगे तो पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स के होल पावर कितना एम प्लस वन और नीचे अपान में क्यू एम प्लस वन प्लस क्या सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है कि टी हम किसे माने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको 28 तक क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया है, बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है 29 पर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी है, इसको आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं 29 पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए 29 का क्वेश्चन जो आपको दिया गया है दोस्त, ये है आपका 29 पे इंटीग्रेशन टेन एक्स ओके सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट के अंदर है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया। कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टी किसे माने, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम टी किसे माने, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए टी किसी को मान लेते हैं, अगर हम टेन एक्स को टी मानते हैं तो आपका सेक स्क्वायर एक्स तो बनेगा, लेकिन इसके रूट के अंदर आपका पार्ट आ जाएगा,
तो हम इस पूरे वैल्यू को टी मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे माना अंडर रूट वन माइनस, ऐसे आप लिखिए रूट के अंदर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना टी, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका वर्ग कर दीजिए, हमने टी तो मान लिया इसको, फिर इस वर्ग कर दीजिए, तो वन माइनस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू कितना टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना टी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हमने कर दिया, ठीक है, इसका क्या हमने कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको कर दीजिए आप डिफ्रेंसिएशन, भाई हमने इसको वर्ग किया है और कुछ किया नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो रूट लगा सकते हैं फिर से, ठीक है, ऐसा इसलिए किया है आपका सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए ऐसा किया गया, अभी आप खुद देखेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसका क्या होगा, इसका होगा टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टू टेन एक्स हो गया, लेकिन जो टेन एक्स है उसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके सेक स्क्वायर एक्स होगा और इनटू क्या डीएक्स, और इधर आपका इस साइड होगा टू टी डी टी, कहने का मतलब मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ, ये तो जीरो है, यहाँ पर होगा टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो टी स्क्वायर है इसका होगा टू टी और क्या डी टी, टू से टू हो जाएगा कैंसिल सिंपली, ओके टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अगर आप डी एक्स इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे टी डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये नीचे आपका दोस्त बचेगा माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ में ये माइनस रहेगा तो इसमें आपको माइनस भी लगाना होगा, तो डी एक्स इक्वल टू ये आया। अब यहाँ पर वैल्यू को चलिए पुट कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर ध्यान से देखें टेन एक्स लिखा है, ओके टेन एक्स है लिखा है, इसको हम लिखा रहने दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स लिखा है लिखा रहने दीजिए, चेंज किसे करना है इसे, ये आपने पूरा माना था टी, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे टी, और डी एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला माइनस टी डी टी अपान टेन एक्स इंटू क्या सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू निकाला। अब इसको आप कट करिए, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, देखिए बिल्कुल टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस टी स्क्वायर डी टी, ओके और यहाँ पर आपका कितना होगा माइनस टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर टी के फॉर्म में तो क्वेश्चन था नहीं एक्स, तो टी किसको आपने माना था, तो इसको इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सिंपली आपका माइनस टी की वैल्यू कितना है दोस्त, टी की वैल्यू है रूट के अंदर, अर्थात आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे टी की वैल्यू कितना रूट लिखेंगे आप वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के होल पावर कितना थ्री अपान थ्री और प्लस क्या सी। अगर आप इसको और सिंपली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रूट का मतलब क्या होता है वन बाई टू, तो सिंपली आप लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, का होल पावर थ्री बाई टू और नीचे अपान थ्री में प्लस सी, मतलब माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल पावर थ्री बाई टू अपान थ्री प्लस सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ओके तो यहाँ पर समझना है इन सभी क्वेश्चन में यही था आपको कि टी किसे माना जाए। ओके तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगाना है और प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।